irregular nouns. Plurals of some noun remains the same. Plurals होते हैं कुछ nouns के, वो हमेशा same रहते हैं. For example, fish, fish, deer, deer, cattle, cattle, sheep, sheep. Okay? So plurals of some nouns are always remain the same. Next is plural of some nouns are totally different from their singular. अपने singular form से वो totally different रहते हैं. For example, अगर mouse है, if it is written here mouse, then the plural will be mice. We cannot add here s, mouses, that is wrong. Okay, ox, oxen, men, man, men. The plural of this is men, men. Child, children. Most of the students, they do, I mean, lots of mistake in this. Singular form is child, child. Child मतलब एक बच्चा, right? Children, children, children. So, children means बच्चे. बहुत सारे बच्चे इसके बाद में एस भी लगा देते हैं. दैट इज रॉन्ग. चिल्ड्रंस, चाइल्ड, द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन. कैक्टस, कैक्टाई, सी ए सी टी डबल आई. सम नाउन आर ऑलवेज प्लूरल. मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक इन यू नो प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, अपन जो मेल होते हैं वो पैंट्स पहनते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं पैंट. दैट इज रॉन्ग. द राइट वर्ड इज पैंट्स. जीन्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, शॉर्ट्स. कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड जॉइनिंग टू नाउन्स टुगेदर. कंपाउंड नाउन को कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, दो नाउन को साथ में जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नोटबुक, नोट प्लस बुक इज इक्वल टू नोटबुक. दोनों को ज्वाइन किया तो क्या बन गया, कंपाउंड नाउन. फायर फ्लाई, फायर प्लस फ्लाई इज इक्वल टू फायर फ्लाई. एक्स प्लस रे इज इक्वल टू एक्स रे. को प्लस पायलट इज इक्वल टू को पायलट. मदर इन लॉ, ओके, इट इज ऑल्सो कंपाउंड नाउन. यू वी कैन मेड लाइक हिस्ट्री बुक एंड अदर सॉन्ग्स, राइट. Now next is countable noun. Nouns that can be counted are called countable noun. जिसको अपन count कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको अपन countable noun बोलते हैं. For example, one, I saw two owls. मैंने दो उल्लू देखे. Okay, we can count. Number two, there are four milk bottles in the fridge. यहाँ पर फोर मिल्क बॉटल्स है फ्रिज में, ओके. नंबर थ्री, माई फादर हैज़ टू कार्स. मेरे पिताजी के पास टू कार्स है. ऑल दिस आर काउंटेबल नाउन्स. टू आउल्स, फोर मिल्क बॉटल्स, टू कार्स, एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी होती है, दैट विच कैन वी कैन नॉट काउंट, जिसको अपन गिन नहीं सकते. नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड uncountable noun. Nouns that cannot be counted are called uncountable noun. जिसको अपन count नहीं कर सकते उसको अपन uncountable noun बोलते हैं, जिसको गिन नहीं सकते अपन. For example, milk, we cannot count milk. Sugar, sand, water, and so many other examples are there. For example, jam, etc. Okay. Countable and uncountable noun in English notebook. Have a nice day.